क्वेश्चन शिफ्ट है जी साहब ने कि ये कबल अज वक्त जो मीटिंग रिसावटों के हवाले से, रमजान के हवाले से या नवरात्र के हवाले से यहाँ करी, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी छाप छोड़े जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो डी सी साहब हों, एस पी साहब हों, कि ये रवायत जो चल रही है हमारी बरसों से असली रवायत भी बहुत बड़े पैमाने पर सानू जिते बरादरी की नाराजगी लेनी पी पर उस कॉपरेट पूरा किया, किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट किसी गुरुद्वारे को इनफॉर्म नहीं किया कि असं ये प्रोग्राम बना जा रहे बचाने के लिए, दामन के लिए और शहर के अंदर हमारे जगह को कायम करने के लिए हम आपके सामने थे इस बात को, और अच्छा एक पैगाम जा रहा है उसके ऊपर वो श्रीमान मानसा जी महाराज जो कि 7 तारीख को अपने निजी स्थान श्रीमन डेरा निगाली साहब में पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से हमें गाइडलाइन जनाब आपकी तरफ से मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलेगी, मैं ये सभी हजरात से ये रिक्वेस्ट करूंगा हमें उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली से हम उसको फॉलो करेंगे। तो बचे रहे बड़ी हद तक बचे रहे, तो स्कूल्स के बारे में जो ऑर्डर आया है कि वो बंद है, अगर आपके जो मिनिस्ट्रियल पावर उसमें जो हमारी सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि सीरियस सिचुएशन है किसी स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों का हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और सोसाइटी पूरी परेशान है। जितना ये अनडिज़ायरेबल लोड है से हीटर्स हैं या इस तरह के दूसरे अप्लाइंसिस या इक्विपमेंट्स हैं, उन पर आपने ड्राइव चला के उसको यकीनी बनाना है ताकि लोगों को लाइट जो है वो रमजान, बैसाखी या नवरात्रा के दिनों में पूरी मिल सके। 10 लाख गैलन शॉर्टेज है, वो हम हैंडपंपों से मीटअप कर रहे हैं प्लस टैंकर सर्विसेज सर। जहाँ तक कनेक्शन का संबंध है सर, 1,12,000 के करीब हमारा टोटल कनेक्शन है सर, तो इसमें जो रजिस्टर्ड है 12,000 कनेक्शन हमारा रजिस्टर्ड है सर, 13,000 जो हमारे PSPs काम कर रहे हैं इसमें, तो बाकी जो कनेक्शन है सर अभी रजिस्टर हो रहे हैं, 74,000 हमने प्रोवाइड कर दिया सर। आता है आपका राशन वो लोगों को रमजान शुरू होने से पहले कैसे पहुँच जाएगा इस हवाले से बताए? डिस्ट्रीब्यूशन है जो परमिट सिस्टम वो आज से शुरू किया हमने, क्योंकि हमारा डाटा जो है 3 तारीख को मशीनों में आया था, तो आज से हमने वो परमिट शुरू कर दिया, 15 तारीख के पहले हम सभी डीलर्स को परमिट इशू करके, तो 20 के पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कम्प्लीट कर रहे हैं। मेन इशू है वो ये है कि मास्क पहने, अगर बगैर मास्क के लोग गैदरिंग करेंगे तो कोई एक बंदा भी अगर ऐसा होगा जो इन्फेक्टेड होगा तो वहाँ पर अगर 500 आदमी या 100 आदमी सबको इन्फेक्शन मिल जाएगी, तो इसीलिए हमारे केसेस जो हैं अब नए केसेस रोज़ 1-2 केसेस नए आना शुरू हो गए हैं, जैसे शुरू में हमने बड़ी कंट्रोल किया था लेकिन अब दोबारा से फिर स्टार्ट हो गया। गैदरिंग जो है उस पर जहां तक मुमकिन हो सकता है उस पर कंट्रोल करें। इतना ही कह सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कह सकते हैं कि सोचेंगे देखेंगे या इस किस्म की बात नहीं कह सकते, ठीक है। जहाँ तक ये त्योहारों को लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, मैं जनरल सी बात करूंगा, आप लोगों ने अपनी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ्स मुझे बताई हैं, सुधारने की कोशिश करिए और कर लीजिए जल्दी जल्दी। ये ब्लेम गेम जो कभी मैकेनिकल का ब्लेम गेम, कभी डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लेम गेम, कभी दूसरा ब्लेम गेम, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है। आपको हमारे यहाँ रिलीजियस लीडर्स ने जो विचार रखे हैं, जो उन्होंने डिमांड्स रखी हैं, उसको आपने सुना है, परिवर्तित सुना है, और उनकी एक प्रेफरेंस है कि आप उनकी जो है सर्विस अगर कहीं बीच में डिस्टर्ब्ड भी होती है, इन पर्टिकुलर आर्स में वो सर्विस डिस्टर्ब्ड नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 15 घंटे बिजली देते हैं, 20 घंटे बिजली देते हैं, तो उन पर्टिकुलर आवर्स में वो जो सर्विस है वो इंश्योर करिए ताकि कम से कम जो उनकी एक छोटी सी डिमांड है वो तो आप पूरी कर सकें। आप लोगों की मुझे डेली रिपोर्टिंग आनी चाहिए कि आप डेली इस चीज़ को लेके क्या कर रहे हैं। सैनिटेशन को लेके जो है आप के इश्यूज तो रहते हैं, लेकिन फिर भी जो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं आप इंश्योर कर लीजिए कि उनके आसपास कहीं कोई डंपिंग नहीं होनी चाहिए।